नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर जमानत मिलने के बाद करनाल जेल से बाहर आ गई हैं। आपको बता दें कि नवदीप कौर को दो केस में पहले ही जमानत मिल गई थी, वहीं तीसरे केस में नवदीप कौर को आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह करनाल जेल से बाहर आई है। जब नवदीप कौर जेल से बाहर आई तो कई किसान नेता, उनकी माँ, बहन व शिरोमणि अकाली दल की नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इस दौरान नवदीप कौर भावुक थी। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह बाहर आ रही हैं तो हमारे लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नवदीप कौर भी मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह किसान मजदूर की आवाज उठाती रहेंगी और फिर से सिंघू बॉर्डर पर जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ करनाल जेल में भले ही टॉर्चर ना हुआ हो, पर सोनीपत पुलिस ने उनके साथ टॉर्चर किया है। वह आने वाले दिनों में मीडिया के सामने दोबारा से आकर काफी बातें रखेंगी। उन्होंने उन तमाम लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी आवाज को बुलंद किया। वहीं अपने साथी शिव कुमार के बारे में नवदीप कौर ने कहा कि उसके साथ भी पुलिस ने काफी टॉर्चर किया है। नवदीप कौर ने यह भी कहा कि उन्होंने ना पहले कभी गलत किया है और ना आगे कभी करेंगी। आपको बता दें कि नवदीप कौर को सोनीपत के पास कुंडली बॉर्डर से 12 जनवरी को तीन अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। वह करनाल जिला जेल में बंद थी, जिसके बाद उनको जेल से छुड़ाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। ऐसे में मुद्दा राजनीतिक भी बन गया था। उनसे जेल में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन प्रीति भारद्वाज ने भी मुलाकात की थी। हालांकि नवदीप कौर से जेल में मिलने पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। नवदीप कौर के मुद्दे को राजनीति से जोड़कर एक अलग रूप देने की कोशिश की गई, पर फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर आ गई हैं। उनके जेल से रिहा होने पर परिवार में खुशी है। लोग हैं जो बेगुनाह अभी भी जेल में बंद है, तो इस पर क्या कहेंगे? सब लोगों को छुड़वा रहे हैं। आज भी 10 लोगों की अभी जमानत हुई है, 18 लोगों की कल जमानत हुई थी, अभी तक लगभग 74 लोगों की जमानत हो चुकी है। और हर जमानत में एक बात सामने क्लियर आ रही है कि इन लोगों का कोई रोल नहीं है, ग्रीवियस इंजरी नहीं है कोई, इनके ऊपर ज़बरदस्ती ये धाराएं लगाई गई हैं। और चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, बेइंसाफ लोग बेइंसाफ हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का अत्याचार किया होगा, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनकी लड़ाई लड़ रही है, और खाली बेल तक नहीं है, हमने उनको बरी भी कराना केसों में से, और उनका केस भी लड़ेंगे। सर, किसान आंदोलन को अब किस तरह से देखते हैं? किसान आंदोलन में जीत हो गई है। किसान आंदोलन को दबाने का काम तो हो रहा है, किसान आंदोलनकारियों को देशद्रोही पेश किया जा रहा है। जो लोग देश के लिए मरते रहे, आज उनको सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो। टीवी चैनल जो है बदनाम करना चाहते हैं, सरकार जो है उनके माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है। हर तरह की आज़ादी पर पाबंदी है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो आपके ऊपर टूल किट में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब पता नहीं नाना जाने किस किस मुकदमों में हमें जेलों में डालेंगे। अब ये देश में पहली बार देखा होगा कि एक पेपर जो है, जो कि गूगल का एक डॉक्यूमेंट है, टूल किट, उसके नाम के ऊपर भी लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जैसे कोई बम कांड हो गया हो। तो सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाते से बात की, आप जान सकते हो कि किसी से कोई मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है। सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो मिलाई थी, अलाउड थी, वो हुई है और मैं किसी से नहीं मिली अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरिटेंडेंट साहब है, डिप्टी साहब, उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों किया गया? लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे से क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या कारण रहे? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने। राजनीतिक कारण लगते हैं आपको? राजनीतिक कारण थे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे? आप किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, जहाँ पे भी। आखिरी सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी, किया था, टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, अभी शिव कुमार के भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसके हड्डे टूटे हुए हैं। अभी उसको ऑर्डर दिया गया कि वो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा, तो शिव कुमार के बारे में भी सबको मारना चाहिए आवाज। पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही हूं, मैं पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियो जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियो हमारे पास सारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी, वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए, न्याय के लिए जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए जी। काफी लोग आपसे मिलने के लिए आए, मिलने नहीं दिया गया, कुछ लोग मिले आपसे अंदर।
फिर? नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं, तो इसलिए बाकी किसी को मिलने नहीं दिया। कोरोना की वजह से दो ही मलाई हो सकते हैं, किसी को मिलने तो नहीं दिया गया। मजदूरों के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई आपकी? जी गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम कर रहे हैं। चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात भी की थी, उन्होंने कहा था कि आप अंदर जो हवाले लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरा आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। सोनीपत पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके हथियारों के साथ डंडों के साथ जी, वो एडिट की हुई वीडियो है, हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियो आपके आगे पेश करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है। अभी हमारे मैं वकील से बात करके ना जी, आवाज ना करो, कहां जाएंगे जी? अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके, अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ अभी, क्योंकि देखो पंजाब के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पारा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाए, और मजदूर किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोला, आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।